भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 66 श्लोक क्रमांक 25। स्रह पतितम आलोक्य राजद्वारे सकुंडलम किम इदं कस्य वा वक्त्रम् इति संशिशिरे जनः। शिरा पतितम् आलोक्य राजद्वारे सकुण्डलम् किम इदं कस्य वा वक्त्रम् इति संशिशिरे जनाः। शिरः पतितम् आलोक्य राजद्वारे सकुण्डलम् किम इदं कस्य वा वक्त्रम् संशिशिरे जनाः इति संशिशिरे जनाः। आलोक्य शकुंडलम् राजद्वारे सकुंडलम् शेर, शेर पतितम गिरा हुआ आलोक्य देखकर राजद्वारे राजमहल के द्वार पर सकुंडलम कुंडल सहित किम क्या इदम यह है कस्य किसका वा अथवा वक्त्रम सिर इति इस प्रकार संशिशिरे संदेह व्यक्त किया जना लोगों ने। अनुवाद। राजमहल के द्वार पर पड़े हुए कुंडल से दूषित सिर को देखकर वहां पर उपस्थित सारे लोग चकित थे। उनमें से कुछ ने पूछा यह क्या है और दूसरों ने कहा यह सिर है लेकिन किसका। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद इस प्रकार लिखते हैं, जब काशीराज का सिर नगर द्वार के भीतर आ गिरा तो लोग वहाँ एकत्रित हो गए और उस अद्भुत वस्तु को देखकर वे चकित रह गए।
जब उन्होंने देखा कि उसमें कुंडल भी हैं तो वे समझ गए कि यह किसी मनुष्य का सिर है। वे अनुमान लगाने लगे कि यह किसका सिर हो सकता है। कुछ लोगों ने सोचा कि यह कृष्ण का सिर है, क्योंकि श्री कृष्ण काशीराज के शत्रु थे और उन्होंने अनुमान लगाया कि हो ना हो काशीराज ने उनका सिर नगर में इसलिए फेंका है कि लोग शत्रु के वध से प्रसन्न हो सकें। किंतु अंत में यह पता चला कि वह सिर कृष्ण का नहीं अपितु स्वयं काशीराज का था। ओम अज्ञातमंदस्य ज्ञानांजनशलाकया चश्मिरो मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपां जाग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाशात देशतारिणे। नमो महावदन्याय नम प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौर तुझे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि इस पर कुछ चर्चा कर सकें, खासकर हिज ग्रेस प्रेमानंद प्रभु का अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान के गुणगान करने के लिए। तो आज का जो श्लोक है उसमें ये वर्णन किया गया है कि भगवान ने जब काशीराज का सिर अलग किया और उसके बाद भगवान ने उस सिर को जो काशीराज का नगरी था काशी वहीं पर उसको फेंक दिया। और यहाँ पर जितने भी लोग जब ये दृश्य देखते हैं तो चकित हो जाते हैं कि अरे ये किस क्या है। फिर कुछ लोग बोलते हैं ये सिर है, फिर लोग पूछते हैं ये किसका सिर है, और कुछ लोग बोलते हैं कि हो सकता है कि हमारे जो राजा हैं उनके जो कृष्ण बहुत बड़े दुश्मन हैं और उन्होंने उन पर विजय हासिल किया है और हम लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने उनका सिर यहाँ पर फेंक दिया है। फिर कुछ लोग शायद ध्यान से देखते होंगे तो फिर वो बताते हैं कि अरे ये कृष्ण का सिर नहीं है, ये तो हमारे राजा ही का सिर है। तो इस तरीके से ये व्याख्या रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो एकदम चकित हो जाते हैं कि अरे हमारे जो काशीराज हैं उन्हीं का वध हो चुका है। तो इस पूरे लीला में हम देखते हैं कि जो पौंडरक जो हैं किस प्रकार अहंकार में आ जाते हैं और अहंकार में आने के कारण अपने आप को बहुत विशेष मानने लग जाते हैं और फिर बाद में कृष्ण को साधारण मानने लग जाते हैं और बाद में कृष्ण भगवान से तुलना करने लग जाते हैं और बाद में उनसे स्पर्धा करने लग जाते हैं।
और बाद में उनसे युद्ध की अपेक्षा करने लग जाते हैं। और हम देखते हैं इस तरीके से जब उनका अहंकार बढ़ता है तो फिर भगवान आते हैं और उनका वध करते हैं। तो भौतिक दुनिया में जब जीवात्मा आता है तो उसकी दो बीमारी बताई गई हैं। एक है उसका अहंकार, रूपाजी उसको लिखते हैं दैट लिविंग एंटिटी वांट्स टू लॉर्ड ओवर मटेरियल नेचर। तो एक तो अपना स्वामित्व दिखाना चाहता है उसका जो अहंकार है। दूसरा है भोग, वो कृष्ण से अलग होकर भोग करना चाहता है। तो हम देखते हैं ये जो दोनों पहलू हैं भौतिक दुनिया और भौतिक समाज और माया के द्वारा हमेशा कैसे भी कैसे वो माया कोशिश करती है कि बढ़ते रहे। अलग अलग प्रकार से जो भोग करने की बुद्धि है वो माया देती है और अलग अलग प्रकार के जो आयोजन है वो माया करती है। उसी प्रकार से जो ये अहंकार है वो कैसे बढ़े। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई सतोगुणी भी है, कोई धर्मनिरपेक्ष भी है, तो वो भी अपने धर्म पालन के लिए अहंकार हो सकता है उसको। तो एक कहानी आता है बाइबल में कि एक बार जो करके एक भगवान का भक्त था और सैटन, सैटन यानी कि जो राक्षस है, तो जो था वो भगवान का बहुत अच्छा भक्त था। तो एक बार जो भगवान है उसका गुणगान कर रहे थे कि देखो मेरा कितना अच्छा भक्त है, हमेशा मंगल आरती में समय पर आता है, 16 माला भक्तों के साथ पूरा करके जाता है, भागवतम में आता है, बिना सोए अटेंड करता है, इस तरीके से गुणगान कर रहे थे उनका। तो फिर जो सैटन है उन्होंने भगवान को बताया, अरे उसको आप रोज़ प्रसाद दे रहे हो, बीच में इतनी सारी फीस्ट हो रही हैं, इतना सारा उसको आप कंफर्ट दे रहे हो, अच्छा अकोमोडेशन दे रहे हो, इतना सुविधा दे रहे हो, तो ऐसे माहौल में तो कोई भी भक्ति कर लेगा, थोड़ा आप मुझे उसको टेस्ट करने दो। तो फिर भगवान बोलते हैं ठीक है आप उसको टेस्ट कीजिए लेकिन उसके शरीर को कष्ट मत देना। तो बोले आप चिंता मत कीजिए। तो जो जौ था उसके 7 पुत्र थे, 3 पुत्री थी, उसके पास बहुत सारे घोड़े थे, उसके पास बहुत सारे गायें थीं, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी था। तो जो सैटन है वो क्या करता है, उनके बच्चों को मरवा देता है और उनका जितना भी खेत वगैरह होता है उसमें आग लग जाता है और जितना भी उनके गाय होती हैं, घोड़े होते हैं, वो सब चोरी हो जाते हैं। तो फिर एक व्यक्ति को सैटन भेजता है, अभी आप जाओ जौ के पास में और उनसे पूछो कि अभी आपको कैसा लग रहा है, भगवान ने आपके साथ ऐसा कर दिया। तो वो व्यक्ति जौ के पास में जाता है कि अरे आप तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान ने आपसे सब कुछ ले लिया। तो जौ बोलता है अरे जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैं तो खाली हाथ आया था, ये सब जो मेरे पास आया वो तो भगवान ने ही दिया है, तो उन्होंने वापस ले लिया तो मैं क्यों दुखी हूँ। तो फिर वो व्यक्ति सैटन को जाके बताता है। फिर भगवान सैटन को बोलते हैं देखा मेरा भक्त, आपने सब कुछ ले लिया फिर भी वो मेरी भक्ति नहीं छोड़ रहा है, मेरे प्रति जो कृतज्ञता है उसको नहीं छोड़ रहा है। तो सैटन बोलते हैं भगवान आप उसके शरीर को तो कष्ट देने नहीं दे रहे हो, अभी तो चीज़ें ही ली है ना मैंने, थोड़ा सा आप मेरे को उसके शरीर को कष्ट देने दो फिर देखते हैं कितना भक्ति है उसके अंदर। तो भगवान बोलते हैं जान से मत मारना, शरीर में कष्ट दे सकते हो। तो सैटन क्या करता है, उसके जो शरीर होता है जौ का उसमें बहुत सारे फोड़े आ जाते हैं ऊपर से नीचे पूरे शरीर में और उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होने लग जाता है। तो फिर जो सैटन है एक व्यक्ति को भेजता है कि अभी जाके पता करो कि जौ जो है उसका कैसा भाव है। तो व्यक्ति जाता है और जौ से पूछता है कि अरे आप तो भगवान की इतनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, पूरा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, फिर भी भगवान आपको इतना कष्ट दे रहे हैं। तो जौ है इस बार उसका जो मनोभाव है वो बदल जाता है, वो बोलते हैं कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं भगवान के लिए क्या नहीं किया और भगवान मेरे लिए इतना कष्ट दे रहे हैं, इतना दुख दे रहे हैं। तो फिर वो जो व्यक्ति है वो उनको समझाने लग जाता है कि अरे जो हमारे कर्म हैं उन्हीं के अनुसार हमको दुख मिलता है, कर्म एक ऐसा सेवक है कि अपने स्वामी को किसी भी योनि में छोड़ता नहीं, तो जो ये दुख है आपको तो कर्म के आधार पर मिल रहा है, आप इतना दुखी क्यों हैं। बोले नहीं 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 मैं भगवान से डिबेट करूंगा कि ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जिसकी वजह से आप मेरे को इतना दुख दे रहे हैं, मैं तो हमेशा आपकी भक्ति किया, हमेशा लोगों का मदद किया, सहायता किया। तो जब इस प्रकार से उनका मनोभाव हो जाता है, वाद विवाद करने लग जाते हैं, तो फिर भगवान की आवाज़ आती है ऊपर से और भगवान बोलते हैं उनको कि अरे आप क्या सोचते हो, आपको सब कुछ पता है। और फिर भगवान उनको बताते हैं कि आप जो अपनी राइचियसनेस है, जो आपका धर्म पालन है, आप उससे गर्वित हो चुके हैं और आप ये भूल गए हैं कि गर्व होना भी एक पाप है।
तो फिर वो समझ जाता है कि अरे हाँ ये मेरा एक गलती हो चुका है। फिर उनका सब चीज़ वापस आ जाता है क्योंकि टेस्ट हो रहा था उनके लिए। तो हम देखते हैं शास्त्रों में ये बहुत जगह बताया गया है कि जब हम यहाँ भौतिक अवस्था में रहते हैं, भौतिक दुनिया में रहते हैं, तो किसी कारणवश अलग अलग स्तर पर जो गर्व है वो आ जाता है, और वो गर्व जब हम भौतिक दुनिया में रहते हैं तो बढ़ता रहता है। लेकिन हम देखते हैं भगवान की इतनी सारी लीलाओं से कि भगवान को गर्व जो है वो पसंद नहीं। और हम देखते हैं हर व्यक्ति यहाँ ऐसा चाहता है, खुद भी सोचता है और चाहता है दूसरे भी सोचें कि मैं बहुत विशेष हूँ और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहा हूँ और मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो राधेश्याम पुरी एक उदाहरण दे रहे थे कि एक बार एक पति और पत्नी थे। तो पत्नी है वो अपने ऑफिस से आती है घर पर, और वो पत्नी बोलती है पति से कि देखो आपकी जो माँ है वो बेचारी बेड पे पड़ी हुई है, मेरे को इतनी सारी सेवा करना पड़ता है आपकी माँ का, सुबह ये करना पड़ता है, दोपहर में ये करना पड़ता है, शाम को ये करना पड़ता है। तो पति पत्नी से बोलता है कि नो प्रॉब्लम, आप एक सर्वेंट को रख सकते हैं, एक दास को रख सकते हैं, वो सेवा करेगा। तो पत्नी बोलती है अरे यू डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो पत्नी बोलती है तुम समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो फिर पत्नी बोलती है और तुम्हारे जो पिताजी हैं वो मेरे को बोलते हैं बैंक में जाइए, ये खरीद के लाइए, वो खरीद के लाइए, मैं ऑलरेडी इतना बिजी हूँ, फिर भी वो ऐसा बोलते रहते हैं। तो पति बोलता है अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पिताजी को बोल देता हूँ, वो स्वयं बैंक में चले जाएंगे। फिर पत्नी और गुस्सा हो जाती है अरे यू डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट, आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो फिर पत्नी बोलती है और मेरे को रोज़ रोज़ कंपनी में भी जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो पति बोलते हैं आप चिंता मत करो, आप कंपनी छोड़ दो, मैं खुद ही उतना अर्निंग कर लूँगा, उससे परिवार चल जाएगा। तो फिर जो वाइफ है बहुत गुस्सा हो जाती है, तो फिर वाइफ बोलती है यू फूल यू कैन नेवर अंडरस्टैंड मी, और फिर वो चली जाती है। तो राधेश्याम गुरु बता रहे थे एक्चुअली मैं जो वाइफ थी वो क्या चाहती थी कि पति ऐसा बोले कि सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आप हो इसलिए सब कुछ चल रहा है, आप ही सारी जिम्मेदारियां ले रहे हैं, आप ही ने सब कुछ किया है। तो असली में और कुछ नहीं सुनना चाहती थी, वो सिर्फ यही सुनना चाहते थे। तो एक बार एक भक्त भी हमारे पास आए थे, तो उनको हमने एक थोड़ा सा फीडबैक दिया था एक सेवा को लेके। तो फिर वो आए और बोले प्रभु जी आपको पता नहीं मैंने यहाँ पर ये किया है, मैंने वहाँ पर वो किया है, वहाँ पर वैसा हुआ है, वहाँ पर वैसा हुआ है, मैंने यहाँ इतना मेहनत किया, वहाँ उतना मेहनत किया है। तो मैं बोला ठीक है आपका इतना सेवा है तो हम कम कर देते हैं। बोला नहीं नहीं ब्रो जी ऐसा नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं पॉइंट को। मैं बोला मैं समझ गया आप बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ चीज़ें पालन नहीं हो पा रही हैं, तो सेवा थोड़ा कम कर देते हैं। फिर वो यही सुनना चाहते थे जो ये माता जी सुनना चाहती थी कि उनको कोई ऐसे बोले कि प्रभु सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, आप कुछ प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे तो दूसरों को समझना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ले रहे हैं इस तरीके से। तो सूक्ष्म रूप से हर किसी के अंदर एक ये भाव रहता है कि मैं बहुत विशेष हूँ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि लिविंग एंटिटी वॉन्ट्स टू फील बिग एंड शो टू अदर्स, जो जीवात्मा है वो खुद अपने आप ऐसा महसूस करना चाहता है मैं बहुत बड़ा हूँ और दूसरों को दिखाना चाहता है कि ये मेरा बड़प्पन है या मेरा विशेषता है इस तरीके से। तो ये हम देखते हैं कि ये जो भाव है ये बहुत ज़्यादा रहता है, और ख़ास करके जो हमारा मन है। तो राधेश्याम गुरु जी एक क्लास में बता रहे थे कि जो तीसरे स्कंद में जो मन है उसके बारे में बहुत अच्छा विश्लेषण है। तो उसमें एक चीज़ बताते हैं कि जो माया एक्ट करती है हमारे लिए, तो प्राइमरली जो है वो मन के माध्यम से एक्ट करती है, और जो मन है उसका एक विशेषता है कि हमेशा सोचता रहता है। तो थिंकिंग फीलिंग विलिंग ये फीचर्स हैं मन के, वो सोचता रहता है, और वो क्या सोचता है हर चीज़ के बारे में एक अलग तरीके का एटमॉस्फेयर बना देता है। तो प्रहलाद महाराज भागवत में बताते हैं मनसि जम, कि जो मटेरियल हैप्पीनेस है वो कहाँ पर है, मन में है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं उसको मटेरियल कंकॉक्शन, तो जितने भी डेफिनेशंस हैं वो मन में बनती हैं, और उसके आधार पर जो मन है वो हमको व्याख्या देता है कि आप ये ग्रहण करो इससे आपको ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा, आप ये हासिल करो इससे आपको बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर अभी कोई भक्त है वो आधा हेड पूरा शेव कर लेता है और आधे हेड में बहुत बड़े बाल रख लेता है, तो आप में से कितनों को अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं कि
एक मूवी आई है जिसमें जितने भी बड़े अभिनेता हैं सबका हेयर स्टाइल यही है, आधा हेड शेव है आधे में हेयर्स है। फिर जितने भी क्रिकेटर्स हैं जब वो खेलने के लिए आ रहे हैं फील्ड में सबका हेयर स्टाइल यही है। फिर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जब वो आ रहे हैं वोट मांगने के लिए सबका हेयर स्टाइल यही है। अब आपको कैसा लगेगा? अभी अच्छा लगेगा। अभी आपको आपके खुद के अगर पूरे हेयर से तो बुरा लगेगा कि अरे क्या है मेरे को भी वैसा हेयर स्टाइल चाहिए। तो वही प्रहलाद महाराज बता रहे हैं मनसी जम, जो मन है उसमें ये सब बनता है। उसी प्रकार से जो अहंकार है वो भी कहाँ होता है? मन में रहता है। बाहर वाले आदमियों को हो सकता है उसके लिए उतना आदर ना हो, लेकिन उसके अंदर ही खुद के लिए मन में बहुत ज़्यादा आदर होता है कि तुम बहुत विशेष हो। और अगर कोई उसकी विशेषता नहीं मानता है तो मन कैसे जस्टिफाई करता है? दे आर इन इग्नोरेंस, इनको पता नहीं है कि मैं कितना विशेष हूँ, क्योंकि वो मन में उस तरीके का जो व्याख्या है वो हो जाता है। तो इसमें बताया जाता है कि जो मन है वो इसी प्रकार से भौतिक जो प्लेजर है उसको इमेजिन करता है, सोचता है कि इसमें आपको आनंद मिल रहा है, तो असली में आनंद है नहीं, लेकिन मन ऐसा सोचता है कि नहीं नहीं इसमें भी आपको जो है आनंद मिल रहा है। तो गौरंग को एक उदाहरण दे रहे थे, एक पार्टी हुआ था, उस पार्टी में बहुत सारे लोगों को बुलाया था और उस पार्टी में सबको एक स्पेशल केक बना के पीस काट के सबको दिया था, और गलती से चीनी की जगह उसमें एक्चुअली नमक मिल गया था केक में, तो सबको पीस मिल गया और सब ऐसे बहुत खुशी खुशी उस पीस को लेके मुंह बड़ा करके ऐसे करके खाने के लिए चालू किए। अब जैसे ही पहला बाइट खाया एकदम उनको अजीब लगा, ये कुछ तो वैसा है, लेकिन दूसरे वाले को देखा वो तो बहुत उत्साह से ऐसे कर रहा था, तो हर व्यक्ति को क्या लगा कि शायद मेरे वाले में कुछ गड़बड़ हो गया है, बाकी सब तो इंजॉय कर रहे हैं और हो सकता है फ्रंट साइड में कुछ गड़बड़ है, तो उसने बैक साइड किया, फिर वहाँ से खाया तो उसमें भी उसको नमकीन लगा, और वो दूसरी साइड देख रहा है तो वो ऑलरेडी फोर्थ साइड पे रोटेट कर दिया था उसने, तो उसको लगा ये तो चारों दिशा से खा रहा है, इसका टेस्ट ही है, सिर्फ मेरे में दिक्कत है। ऐसा करते करते सबने खा लिया केक, और अब कोई किसी को बता भी नहीं रहा है, क्योंकि कोई ये नहीं बताना चाहता कि मैं अपनी ज़िंदगी में फेल हुआ हूँ, मेरे को अनलक मिला है। तो सब खुश हो गए, बोले आपका केक कैसा था? बोले हाँ ठीक था। आपका केक कैसा था? बोले हाँ ठीक था। तो बता रहे थे कि अगर इस दुनिया में कोई अमीर हो गया है और वो खुश नहीं है तो वो ये स्वीकार भी नहीं कर सकता कि मैं खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि माइंड बोलता है आप अमीर हो तो खुश रहने चाहिए, वरना दुनिया क्या बोलेगी, आप अमीर हो और खुश नहीं हो, तो आप उससे पूछोगे आप खुश हो? बोले हाँ। तो इस तरीके से जो मन है वो पूरा जो जीवात्मा है उसका जो मनोधारणा है उसको चलाता है, और जो माइंड है उसका इमेजिनेशन का फ्यूल क्या है? वो है रिकलेक्शन और परसेप्शन। तो जितने भी हम लोगों ने पहले भोग किए हैं उनके जो विचार हैं वो मन वापस लेके आ जाता है, और जब कोई नया परसेप्शन आता है, नया कोई विषय वस्तु सामने आगे आता है, तो वो भी उसको फ्यूल कर देता है। और आप देखेंगे जो मीडिया इंडस्ट्री है, जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, उनको भी पता है ये दो पहलू जीवात्मा के, कि भोग करने की प्रवृत्ति बहुत प्रगाढ़ है और अहंकार है, तो वो भी इसको ही बढ़ाने की कोशिश करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट से। तो पहले जब बीड़ी आता था, सिगरेट आता था, तो सारे लोग पीते थे उसको, लेकिन बाद में साइंटिस्टों को पता चलने लग गया कि इसके पीने से जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है। तो फिर जब बहुत सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो गवर्नमेंट पे दबाव आ गया, तो गवर्नमेंट ने सिगरेट कंपनियों को बोला कि आप अपने पैकेट पे लिखिए कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, कि जो सिगरेट पीना है उससे स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, ऐसा लिखिए। तो कंपनी सोचने लगे अगर हम ऐसा लिखेंगे तो कौन खरीदेगा? आप सोचिए अगर कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आपका स्वास्थ्य खराब कर देगा तो कौन खरीदेगा? फिर कंपनियों ने सोचा हम दूसरी तरीके से एडवर्टाइज़ करेंगे, तो उन्होंने दूसरी तरीके से एडवर्टाइज़ करना चालू कर दिया कि वो जाते थे वहाँ पर और कोई व्यक्ति आ रहा है वो पी रहा है ऐसे करके करके, फिर दूसरा व्यक्ति आता था वो बोलता था अरे स्वास्थ्य को खराब कर देगा, तो बोलता था हु केयर्स, बोला मेरे को इसकी परवाह नहीं है, आई कैन टेक रिस्क, आई एम अ मैन। तो फिर कंपनियों ने उसको उनके फॉल्स ईगो को ट्रिप करने के लिए इस तरीके का ऐड बनाना चालू कर दिया कि जो स्मोकिंग करते हैं उनमें करेज है, वो रिस्क ले रहे हैं, वो असली में साहसी हैं। और कंपनियों ने क्या देखा कि जो उनके सेल थे वो कम होने की जगह बढ़ गए, तो कंपनियां भी खुश हो गई, सरकार भी खुश हो गया और जो व्यक्ति थे बस वो पीने में लग गए इस तरीके से।
तो हम देखते हैं कि जो मन है वो किस प्रकार से जो हमारी धारणा है, चेतना है, हमारी व्याख्या है, वो बदल देता है और सटल रूप से जो मीडिया है या इंडस्ट्री है वो उसको बदलती है। ऐसा जैसे आप देखोगे अगर पिछले ज़माने में कोई कुछ साल पहले जब वैदिक समाज था, अगर कोई खड़े होकर पेशाब कर रहा है तो लोग क्या बोलते थे, भाई जानवर पेशाब करना नहीं आता, बैठ के पेशाब कर। और अभी आधुनिक समाज में अगर कोई बैठ के पेशाब कर रहा है तो लोग बोलेंगे देहाती, तो कुछ कल्चर नहीं है, कैसे पेशाब कर रहा है जानवर की तरह। क्यों? क्योंकि मनोधारणा जो है अभी बदल चुका है इस हिसाब से। तो हम देखते हैं उसके अनुसार जो मन जैसा बताता है उसके हिसाब से आदमी जो है वो अपनी धारणा बनाता है। और मन जब रिकलेक्ट करता है तो मन बहुत विशेष है। जब भी हम कोई भौतिक इंद्रतृप्ति करते हैं तो मन जो है उसका प्लेजर पार्ट है उसी को रिकलेक्ट करता है। तो मानो कोई भक्त है, उसने बहुत सारे कई सालों तक गुलाब जामुन को गुलाब जामुन खाए, उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा पेट खराब हो गया और जब हॉस्पिटलाइज हुआ तो 10-15 दिन के लिए एडमिट हुआ, इतना दर्द हुआ हो उसको और सारे जितने भी गुलाब जामुन खाए थे सब याद आ रहे हैं उसको, और डॉक्टर भी इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगा रहा है, बोतल पे बोतल चढ़ा रहा है और उसका बहुत बुरा हाल हो गया। और फिर उस समय पर उसको भाव आएगा कि इंद्रतृप्ति मैं अभी कम करूँगा। लेकिन अब जब आ जाता है, कुछ महीने चले जाते हैं और फिर वापस फीस्ट होता है, वापस गुलाब जामुन आ जाता है सामने, तो माइंड जो है अभी उसको जो सफरिंग हुआ वो याद नहीं दिलाएगा, जो उसने पहले गुलाब जामुन खाए थे उसमें जो आनंद मिला था सिर्फ उसको याद दिलाएगा। और माइंड बोलेगा अरे आनंद मिला था, फिर इंटेलिजेंस बोलेगा अरे लेकिन थोड़ा सा, अरे वो तो गलती से हो गया, अभी थोड़ी ना होगा, बार बार थोड़ी ना होगा, तुम विशेष हो। तो इस तरीके से बोलते हैं शास्त्रों में कि जो माइंड है वो डिसीव करता है, मतलब चीटिंग करता है, क्योंकि जो प्लेजर पार्ट है सिर्फ उसी को याद दिलाएगा और वापस सेम जो इंद्र वस्तु है, जो विषय वस्तु है, उसमें हमको फिर प्रेरित कर देता है भोग करने के लिए। और इसी प्रकार से जो माइंड है अगर कुछ भी सफलता मिलता है तो सफलता भले कम मिला होगा लेकिन माइंड उसको मैग्नीफाई कर देता है। तो भक्ति सांस्कृति ठाकुर एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार एक कुमार होता है तो वो घड़ा चला रहा होता है, तो घड़ा चला रहा होता है तो एक मटका बना रहा होता है और वो ऐसे ऐसे हाथ करता है तो एक बहुत अच्छा डिज़ाइन वाला मटका बन जाता है। बड़ा खुश हो जाता है, अरे इसका तो विशेष डिज़ाइन बन गया। तो फिर वो उस मटके को यहाँ पर रख कर उसके पास में उसकी खाट होती है, चारपाई होती है, उस पर सो जाता है। और वो फिर जब सो जाता है तो सोचने लग जाता है, अरे इतना सुंदर मटका बन गया, अभी मैं मार्केट में जाऊँगा और बाकी मटके तो 10 रुपये में बेचते हैं, मैं 20 रुपये में बेचूंगा, इतना सुंदर मटका बना है और 20 रुपये में बेचेगा, फिर मैं और मटके बनाऊंगा, फिर वो सेल करूंगा, फिर मेरे पे इतना सारा पैसा आ जाएगा, फिर मैं बहुत बढ़िया घर बनाऊंगा और गाड़ी खरीदूंगा और नौकर रखूंगा और एक सुंदर सी स्त्री से शादी करूंगा, फिर मैं उसको बोलूंगा ए जाके चाय लेके आ, और फिर वो मना करेगी ना 1 लाख ऐसे मारूंगा, फिर जो मटका रखा होता है वही टूट जाता है क्योंकि वो लात उसमें पड़ जाती है। तो भक्ति सांस्कृति ठाकुर ये कहानी बताते हैं कि कैसे जो माइंड है वो इमेजिन करके एक ऐसे बहुत बड़ा मैग्नीफाई कर देता है कि बहुत कुछ हो जाएगा, अभी आप बहुत ऊपर पहुंच जाओगे, अभी आप बहुत विशेष हो जाओगे इस तरीके से। तो ये माइंड को जो संभलना है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें बताया जाता है, भगवद गीता में एनोलॉजी आती है, कृष्ण भगवान बताते हैं कि जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं और जो घोड़ों की रस्सी है वो हमारा मन है और जो ड्राइवर है जो चला रहा है घोड़ों को वो हमारा बुद्धि है और पैसेंजर हमारी आत्मा है। तो अगर घोड़ों ने स्पीड पकड़ ली और फिर आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप देखोगे भगवद गीता में कृष्णा क्या बताते हैं, ध्याय तो विश्वान पुंसा, स्पीड मत पकड़ने दो क्योंकि स्पीड आप पकड़ ली तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बार एक भक्त थे, वो कुछ सामान चाहते थे, तो वो एक वरिष्ठ भक्त के पास आए थे कि प्रभु जी मेरे को ये खरीदना है। तो भक्त ने मुझसे पूछा कि प्रभु ये इस प्रकार का सामान मांग रहे हैं तो इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं बोला प्रभु जी अगर उसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है वो सामान, इसका मतलब जो घोड़ों का स्पीड है बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी उनको रोक नहीं सकते, अभी उनको खरीदने दीजिए क्योंकि जब चीज़ें जैसे कोई भी सामान रहता है, जैसे किसी को कार खरीदना है तो पहले कार जो है वो क्लास है, जब कंप्यूटर लैंग्वेज में हम सीखते हैं क्लास मतलब सारी कार कार है,
लेकिन उसमें से आप एक सेलेक्ट कर लो कि अभी मारुति वैगन आर, अब वो ऑब्जेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट होगी मतलब कि घोड़ों ने स्पीड पकड़ लिया अभी इस तरीके से। तो इसलिए गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं ध्याय तो विश्वान पुंसा, स्पीड मत पकड़ने दो। आपको स्पीड जो है जैसे ही ध्यान आता है विषय वस्तु का उसी समय पे आप लगाम लगाने का कोशिश करो। तो दो तरीके हैं लगाम लगाने का, एक तो एक्सटर्नल बैरिगेटिंग या इंटरनल रिस्ट्रेन। तो या तो हम बाहरी रूप से कुछ एक्सटर्नल बैरिगेटिंग करें या आंतरिक रूप से उसको खींचने की कोशिश करें। तो एक्सटर्नल रूप से जो बैरिगेटिंग है वो शास्त्र में बताया गया है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं डॉस करके, तो उसी डॉस का एक थोड़ा सा अलग। तो पहला डेफिनेशन जो बताते हैं प्रभुपाद जी डॉस का, उसमें डी बताते हैं डिसिप्लिन, दूसरा बताते हैं ओबीडियंस, और तीसरा एस एक्सटर्नल बैरिगेटिंग में है सिंपल लाइफ। तो अगर हम ये फॉलो करेंगे तो इससे जो एक्सटर्नल बैरिगेटिंग वो हो जाता है। तो पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कि जब हमको अनुशासन में रहना चाहिए। तो अनुशासन का मतलब ये भी होता है कि हमको देखना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा आश्रम क्या है, और हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अनुशासन है। तो उसके अनुसार अपना ज़िंदगी जीना वो अनुशासनहीन होना है। तो अगर कोई स्टूडेंट है कॉलेज में तो उसका अनुशासन क्या है, उसको टाइम पे स्कूल में जाना पड़ेगा, उस स्कूल में कोई प्रिंसिपल है उसको पालन करना पड़ेगा, कोई टीचर है उसको पालन करना पड़ेगा, स्कूल के कुछ निर्देश हैं कुछ नियम हैं उसका पालन करना पड़ेगा, वो उस स्टूडेंट के लिए अनुशासन है। वैसे ही कोई नागरिक है देश में रहता है तो उसके लिए अनुशासन है सरकार के नियम पालन करना। और हम लोग भक्त हैं तो जनरल वे में कृष्ण के आदेश हैं, स्पेसिफिक वे में प्रभुपाद जी के आदेश हैं जो हमको पालन करने हैं संस्था के अंदर। और जो जितना इनको पालन करने की कोशिश कर रहा है उतना वो उसमें अनुशासन रहेगा, उतना उसमें डिसिप्लिन रहेगा। दूसरा शास्त्रों में बताते हैं ओबीडियंस। आप देखेंगे पहले ज़माने में हर कोई चीज़ करने से पहले लोगों के अंदर इस प्रकार का कल्चर था कि पूछते थे। जब कोई चीज़ पूछना होता है तो आधा घोड़ों का स्पीड वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पूछेंगे तो मना कर देंगे। तो कोई भी थॉट आता है अगर आपके मन में ये आए कि ये थोड़ा पूछ लेता हूँ, तो वहीं पर वो आधे थॉट्स तो वहीं पर बेचारे चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये पूछूंगा तो मना कर देंगे कि अरे ये वाला नहीं। हाल ही में एक वक्त मेरे पास आए थे तो बहुत स्पेशल स्पीकर का फ़ोटो लेके आए थे बोले प्रभु जी ये लेटेस्ट आया है और क्या क्या फीचर बता रहे थे भूल गया मैं, तो प्रभु जी ये कैसा रहेगा। तो मैंने उनको बोला कि आपके लिए तो ठीक है लेकिन आपको देख के फिर बाकी लोग भी यही वाला स्पीकर मांगेंगे तो इसको रहने दीजिए। तो उनका मुँह बेचारा एकदम छोटा हो गया। फिर एक्चुअल में क्या हुआ था, उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर करने के लिए किसी को बोल दिया था और ये एक्सपेक्ट किया था कि मैं हाँ ही बोल दूंगा। फिर उन्होंने मेरे सामने फोन किया कि प्रभु इसको कैंसिल कर दो। तो इसलिए आप देखोगे शास्त्रों में पहले ओबीडियंस का बहुत कल्चर था, क्योंकि ओबीडियंस रहता है तो आधे जो हमारे गलत इम्प्योरिटीज़ हैं वो शेप ले ही नहीं पाती हैं, क्योंकि आप वो तो जो थॉट है कि पूछना है उसी से आधी चीज़ें दब जाती है कि अरे पूछूंगा तो फिर कैसे पूछ सकता हूँ। अगर थोड़ा सा कल्चर है तो फिर वैसा फीलिंग आता है, और पूछ भी रहे हैं तो अगर सुपीरियर बोलेगा आपको लगता है ये असली में चाहिए, फिर अंदर से थोड़ा सा सुपर सोल भी बोलेगा चाहिए नहीं चाहिए इस तरीके से। तो ये दूसरा है उसको बताते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो ओबीडियंस है ये भौतिक दुनिया में अगर हम आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं माया से और माया का जो लोभन है उससे बचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा है सिंपल लाइफ। तो जितना हमारा सरल जीवन रहेगा उतना ज़्यादा हम भौतिक चीज़ों से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। रूपा जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जब भौतिक चीज़ें हम जितना ज़्यादा पोजेस करते हैं उतना ज़्यादा हम उनसे आइडेंटिफाई करते हैं, उतना ज़्यादा मन को ऐसा लगता है कि हम विशेष। लेकिन जितना अपना जीवन है सरल रखेंगे उतना जो हमारा विनम्रता है वो बरकरार रहेगा। तो एक और तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं द कॉज ऑफ इग्नोरेंस इज कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट बाय मटेरियलिस्ट मैन इन द मैटर ऑफ आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग मटेरियल डिमांड्स। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जितना ये भौतिक आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ाएंगे हम लोग उतना ही ज़्यादा हमारा जो चेतना है वो डल हो जाएगा, उतना ही जो हमारा वो चेतना है वो अंधकार में हो जाएगा और फिर हम समझ नहीं पाएंगे और हम लोगों को लगेगा कि अभी
ये जो जितनी भी भौतिक प्रलोभन है ये हमको खुशी देंगी, आनंद देंगी, और हम ये भी सोचने लगेंगे कि मैं बहुत विशेष हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा भौतिक जो चीज़ें हैं वो हैं। इस प्रकार से तो ये एक श्लोक आता है छठवें स्कंद में कि भगवान जो हैं ये उनकी विशेष कृपा है कि वो भक्तों को नहीं देखना चाहते कि बहुत सारे भौतिक प्रलोभन या भौतिक वस्तुएं उनके पास हों। तो ये है स्कंद 6 का अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 22। पुंसाम केलकांत धियां स्वकाना या संपद दिवी भुमार सायं नाराति यद्वेष उद्वेग आधेर मद कलीर्गशनम संप्रयाशः। तो इसमें रूपा जी बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान को आश्रित हो चुके हैं और जो हमेशा भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, तो इस प्रकार के जो भक्त हैं दे गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉर्ड एज हिज पर्सनल असिस्टेंट और सर्वेंट। इस प्रकार के भक्तों को भगवान अपना मान लेते हैं कि ये जो हैं ये मेरे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है द लॉर्ड नेवर बेस्टोज अपॉन सच सर्वेंट्स द ब्रिलियंट ऑपुलेंस ऑफ अपर लोअर एंड मिडल प्लेनेटरी सिस्टम्स। इस प्रकार के जो भक्त हैं उनको भगवान किसी भी प्रकार, चाहे नीचे के लोग हों, चाहे मध्य लोग हो, चाहे ऊपर के लोग हों, उनका जो भौतिक ऑपुलेंस है वो नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जब कोई इन ऑपुलेंस को पोजेस करता है तो क्या होता है, जो एनिमिटी है, एंजाइटी है, मेंटल एजिटेशन है, प्राइड है, विलजरेंस है, ये बढ़ जाते हैं। ये 5 चीज़ें होती हैं। जब कोई भौतिक वस्तुओं को ग्रहण करता है तो उसमें एनिमिटी बढ़ जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ जाती है, मेंटल एजिटेशन बढ़ जाता है, प्राइड बढ़ जाता है और बिलिजरेंस। बिलिजरेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? उसके बाद लिखा हुआ है दस वन गोज थ्रू मच इंडेवर टू इंक्रीज एंड मेंटेन हिज पोजिशन एंड ही सफर्स ग्रेट अनहैप्पीनेस व्हेन ही लूजेस देम। इसके अलावा और क्या होता है, जब किसी के पास कुछ भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं तो वहीं पर समाप्त नहीं होता है, उसको वो फिर बढ़ाने की कोशिश करता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और जब वो उनको खोता है तो बहुत ज़्यादा दुखी होना पड़ता है उसको। तो ये लिखा हुआ है। अब इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि टू एकोमुलेट मटेरियल पोजेशन वन मस्ट लेबर वेरी हार्ड एंड व्हेन ही गेट्स देम ही क्रिएट्स मैनी एनिमीज बिकॉज हिज मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ राइवलरी। तो जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको एकत्रित करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि अगर कोई खुश है या रिच है तो उनके खुद के दोस्त भी और उनके रिश्तेदार भी एनवियस हो जाते हैं। जैसे हम सुंदर और कुसुंद का कथा सुनते हैं, जैसे ही तिलोत्तमा आती हैं तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं लेकिन फिर दुश्मन हो जाते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं फॉर एकांत भक्त अनअलॉयड डिवोटीज कृष्णा देयर फॉर नेवर प्रोवाइड्स मटेरियल पोजेशन। इसलिए एकांत भक्तों के लिए भगवान कोई भौतिक वस्तुएं नहीं प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं अ डिवोटी समटाइम्स नीड्स सम मटेरियल पोजेशन फॉर प्रीचिंग बट द पोजेशन ऑफ अ प्रीचर आर नॉट लाइक दोज ऑफ अ कर्मी। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं लेकिन प्रचार कार्य के लिए हमको कुछ साधन लगते हैं तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रचार कार्य के लिए। बाकी लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो साधन है, जो भौतिक वस्तुएं हैं, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से रूपा जी तात्पर्य में जो है वो बताते हैं। तो ये है एक्सटर्नल बैरिगेटिंग। दूसरा है इंटरनल बैरिगेटिंग। तो जो इंटरनल बैरिगेटिंग है उसमें मुख्य करके जो सेल्फ रिस्ट्रेन है वो 2 चीज़ों से आता है, कितना प्योरिफिकेशन हुआ है और कितना हायर टेस्ट हुआ है। तो pH, आपका pH कितना है उसके बेसिस पे वो डिसाइड होगा। तो जो प्योरिफिकेशन है और जो हायर टेस्ट है ये मुख्यतर आता है जो हमारे इनिशिएशन वॉज हैं उनको रखने से। तो जो भी इस कौन में दीक्षा लेते हैं तो हम लोग ये इनिशिएशन वॉज लेते हैं कि हमें जप करना है मिनिमम 16 राउंड्स, हमको 4 नियमों का पालन करना है और हमको दास भाव में सेवा करना है।
तो एक बार एक भक्त पूछ रहे थे, प्रभु जी हमको कौन से रस के बारे में सोचना चाहिए? तो मैं उनको बता रहा था हमको दास रहना चाहिए और शांत रहना चाहिए, बाकी रस अपने आप भगवान रिवील कर देंगे। तो प्रभुपाद जी ने ये सिखाया है कि 16 माला मिनिमम जप करना चाहिए। और इसमें भी जो सततम कीर्तयन तो माम प्रभुपाद जी बताते थे, कीर्तनी सदा हरि प्रभुपाद जी बताते थे, तो जो कीर्तन है वो इंक्लूसिव है और जपा है वो एक्सक्लूसिव है। कीर्तन इंक्लूसिव मतलब कीर्तन में क्लीनिंग भी आता है, फंड कलेक्शन भी आता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, कीर्तन भी आता है, लेकिन जपा एक्सक्लूसिव है। जपा में सिर्फ जपा ही आता है। और भक्तिव्रत भागवत महाराज बता रहे थे जो जितना सिंसेरिटी के साथ और अटेंटिवनेस के साथ में सुबह ही जपा कंप्लीट कर रहा है उतना ज़्यादा वो कीर्तन में इंक्लूसिव हो सकता है, उतना ज़्यादा वो चीज़ों को कीर्तन कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कल भी हम पढ़ रहे थे, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि वी आर नॉट सो प्योर दैट वी कैन चैंट लाइक हरिदास ठाकुर, लेकिन हम लोग बाकी समय भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन वो सेवा है वो डिवोशनल सर्विस तब बनेगा जब उसमें डिवोशन का एस्पेक्ट होगा, और डिवोशन का एस्पेक्ट तब आएगा जब हम सिंसियरली जो हमारा जप है वो ध्यानपूर्वक करने की कोशिश कर रहे हैं और सुबह ख़त्म करने का कोशिश कर रहे हैं, सुबह उसको करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जो महाराज हैं वो बता रहे थे कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये इनका विशेष कृपा है। तो अगर हम जब अच्छी तरीके से करते हैं, ध्यानपूर्वक जब करते हैं, सुनने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग फिर राधा कृष्ण का शेल्टर ले रहे हैं, महाप्रभु का शेल्टर ले रहे हैं, तो फिर महाप्रभु हैं वो हमको बचाते हैं, जो माया का प्रलोभन है उससे महाप्रभु बचाते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के पास में एक शिष्य गए थे दीक्षा लेने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी ही इज द इंकार्नेशन ऑफ कृष्णा। प्रभुपाद जी ने उनको बोला यू फेल्ड इन टेस्ट, आप टेस्ट में पास नहीं हुए, ना यू गो बैक एंड कम टुमारो, अभी आप जाइए और कल आइए। तो भक्त समझ नहीं पाया, फिर कल वापस आया तो उसने सोचा प्रभुपाद जी दूसरा सवाल पूछेंगे। तो फिर प्रभुपाद जी ने पूछा हु इज चैतन्य महाप्रभु? तो इस बार उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो ब्राह्मण दीक्षा होना था उनका, तो प्रभुपाद जी उनको बोले नाउ यू आर मोर देन अ ब्राह्मण, और उनको ब्राह्मण दीक्षा का थ्रेड दे दिया। तो चैतन्य महापुरुष के बारे में जानना और उनकी कृपा को याचन करना, उससे हमको बहुत कृपा मिलता है। तो भक्तिव्रत भागवत महाराज बता रहे थे कि अगर कोई जपा अच्छी तरीके से कर रहा है, सुबह कोशिश कर रहा है अटेंटिवली जप करने का, तो जो बाकी सेवाएं कर रहा है उसमें उसका जो डिवोशन है वो ऐड हो जाएगा और वो डिवोशनल सर्विस बन जाएगा। इसलिए आप देखेंगे हमारे जो मीटिंग होते हैं उसके जो नियम हैं उसमें एक नियम ये भी है कि आपने 16 माला कंप्लीट कर ली है, क्योंकि अगर हम इनिशिएशन वॉज रख रहे हैं देन वी आर एम्पावर्ड टू सर्व गुरु परंपरा। जब हम 16 माला जब कर ली हैं अच्छी तरीके से, सिंसेरिटी के साथ, अटेंटिवनेस के साथ में, चार नियम पालन कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि फिर जो हम डिसीजन लेते हैं, जो हम कार्य करते हैं, उसमें भगवान का आशीर्वाद भी है, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं भगवान का आश्रय लेने का। तो इस प्रकार से हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। तो वहाँ पर एक मुरली कृष्ण गुरु थे पंजाबी बाग में, तो उन्होंने भक्तिव्रत भागवत महाराज को सवाल पूछा था कि महाराज मैं सुबह सेवा के लिए जाता हूँ 5 बजे, तो मेरा जब तो सुबह कंप्लीट होता नहीं। तो महाराज बताए नो प्रॉब्लम यू गेट अप एट 2 o'clock। महाराज बोले आप चिंता मत कीजिए, 2 बजे खड़े हो जाइए और अपना जप है वो कंप्लीट कर लीजिए। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी के शिष्यों में भी, जो तमल कृष्ण महाराज थे उनको पता था प्रभुपाद जी को उनसे बहुत सारी सेवाएँ होती हैं, तो 4:30 बजे ही से उनकी सेवाएं चालू हो जाती थी, तो वो सुबह ही खड़े होकर 4:30 से पहले ही जब कंप्लीट कर लेते थे अपना। इस तरीके से वैसे ही हम सुनते हैं प्रभुपाद जी के जितने भी केंद्र भी थे, तो प्रभुपाद जी के समय पे ऐसे मंगल आरती के बाद में अलग से 2 घंटा नहीं होता था, तो सारे जितने भी भक्त हैं वो मंगल आरती से पहले ही जब कर लेते थे इस प्रकार से। लेकिन अगर कोई सिंसियर है तो फिर उसको भगवान एम्पावर भी करते हैं, उसको भगवान शक्ति भी देते हैं कि वो अपना जो जप है वो ध्यानपूर्वक कर सके। भक्तिव्रत भागवत महाराज यहाँ पर आए थे तो वो एक उदाहरण भी दे रहे थे कि अगर कोई भक्त है जिसने सुबह ध्यानपूर्वक जप करने का कोशिश किया है और उसके बाद वो फूल लेने के लिए गया है मार्केट में, तो हम देखते हैं जिसने जप अच्छी तरीके से किया, ध्यानपूर्वक करके किया है, तो उसके हृदय में ग्रैटिट्यूड रहेगा और उसकी सेवा में क्वालिटी रहेगा। तो जब जाता है तो फूल बहुत ध्यानपूर्वक चुन रहा है, वो बार्गेन कर रहा है और देख रहा है भगवान के लिए बेस्ट फूल कौन से आ सकते हैं। और फिर भक्तिव्रत भागवत महाराज बता रहे थे अभी अगर इस दौरान वो मर जाता है तो भगवान के धाम चला जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिवोशनल चेतना है।
और दूसरा उदाहरण बता रहे थे, कोई भक्त है जिसने 8 माला जप किया है सुबह, और उसको बोला जाता है फूल लेके आओ, तो एक हाथ में माला लेके गया है, वो जप कर रहा है, और फिर मार्केट में जाता है और पूछता है कि ये कितने का है, बोले 40 रुपये का है, हरे कृष्णा ये 2 किलो दे दो, हरे कृष्णा इसको पैक कर दो, देखो मत डाल दो, हरे कृष्णा और वो जब आ रहा है अभी उसका मृत्यु हो जाता है, तो महाराज बता रहे थे वो भगवान के धाम नहीं जाएगा, भले वो चैंटिंग कर रहा है जप कर रहा है, क्योंकि चेतना नहीं है, डिवोशनल एटीट्यूड नहीं है। तो अगर कोई उस तरीके से ध्यानपूर्वक जप करने का कोशिश करता है तो फिर भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं। तो महाराज बता रहे थे कि हमको बैगर बनना पड़ेगा। तो जो बैगर हैं उसकी सफलता के 3 राज हैं। पहला तो उसके सामने एक अमीर व्यक्ति आना चाहिए, तभी तो बेचारे को कोई कुछ देगा। दूसरा है उसके पास अच्छा पात्र होना चाहिए, कुछ दे रहा है तो पात्र होना चाहिए जिसमें वो ले सकता है। और तीसरा उसको ऐसा दिखाना चाहिए कि मैं भिखारी हूँ। अगर वो ऐसे दिखाएगा कि यहाँ पर फ्रिज रखा है, एसी रखा हुआ है, कोट पैंट पहना हुआ है, तो उसको कोई भीख नहीं देगा। तो वही महाराज बता रहे थे, उसी प्रकार से हमको भी ये 3 चीज़ करना है कि जो हमारे स्वामी हैं वो हैं कृष्ण भगवान, तो उनके पास हमको जाना चाहिए, वो हमारे मास्टर हैं। और दूसरा जो हमारा वैशल है, पात्र है, वो है हमारी इनिशिएशन वॉस। तो अगर हम 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और इस्कॉन संस्था में सेवा कर रहे हैं दास भाव में, तो हमारा वो पात्र हो गया, वो हमारा वैशल हो गया। और तीसरा जब हम भगवान से बैक कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो जो है चैतन्य महाप्रभु का जो कृपा है वो हमारे पास आने लग जाएगा इस प्रकार से। तो ये जो जप है और इसको जप करना है ये बहुत ज़रूरी है, और जितना इसको करेंगे उतना ज़्यादा फिर हम एम्पावर्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त अच्छी तरीके से जप नहीं कर रहा है और उसके बाद में उसके अंदर कुछ मटेरियल डिजायर्स आ रहे हैं, तो चैतन्य महापुरुष उसको एम्पावर नहीं करेंगे उनसे बचने के लिए, क्योंकि महापुरुष देखेंगे अरे ये तो जब भी अच्छी तरीके से नहीं करता है और भौतिक इच्छाएं भी बढ़ा रहा है, पाल कर रहा है, और बहुत इंसिस्ट कर रहा है उनको फुलफिल करने के लिए। तो महाराज बता रहे थे कि महाप्रभु विल अलाउ हिम टू फॉल डाउन टू लर्न अ हार्ड लेसन। महाप्रभु हैं उनको गिरने देंगे जिससे कि जो कठिन लेसन है अपनी ज़िंदगी में वो सीख पाए इस प्रकार से। लेकिन अगर कोई कोशिश कर रहा है तो फिर महापुरुष उसको बचाएंगे, उसको प्रोटेक्शन देंगे ऐसा। तो एक और चीज़ महाराज बता रहे थे कि जो हम ये प्रिंसिपल है कि एक्सेप्ट फेवरेबल एंड रिजेक्ट अनफेवरेबल, तो इसके लिए भी जो शक्ति आती है वो गुरु परंपरा की शक्ति से आती है, और वो तब देंगे जितना हम ये जो नियम हैं जो गुरु परंपरा ने दिए हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। तो फिर वो हमको शक्ति देंगे कि हम लोग गलत चीज़ को ना बोल पाएंगे और अच्छी चीज़ को हाँ बोल पाएंगे इस प्रकार से। तो ये जो है इसको करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको करते रहेंगे तो फिर हमारा जो भक्ति है वो अच्छी तरीके से होने लगेगा। तो खास करके जब हम भक्तों के समाज में, भक्तों के साथ में जब करते हैं तो फिर भगवान भी बहुत रेसिप्रोकेट करते हैं, हमको एक दूसरे से प्रेरणा भी मिलता है अच्छी तरीके से जब करने के लिए, अच्छी तरीके से जब सुनने के लिए। और जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतना ज़्यादा फिर भगवान हमारे को और मदद करते हैं। और हम देखते हैं जो भक्त सुनना चाहता है वो सुनता रहता है, और जो सोना चाहता है वो सोता रहता है, जो नहीं सुनना चाहता है वो नहीं सुनता रहता है। तो इस तरीके से भगवान हर डायरेक्शन में उसको एम्पावर कर रहे हैं जैसी उसकी इच्छाएँ इस प्रकार से। लेकिन कलयुगा में अगर हमको बचना है तो ये बहुत ध्यानपूर्वक रखना है। एक महाराज बता रहे थे कि जब हम जब अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तो जो विषय वस्तु हैं वो और ज़्यादा आकर्षक दिखने लग जाते हैं, तो फिर हम लोग उसमें बह जाएंगे कि ये जो विषय वस्तु है बहुत ज़्यादा आकर्षक है इस प्रकार से। तो इसी के साथ हम विराम देंगे, ये आज हम लोगों ने कुछ चर्चा करने का कोशिश किया। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।